हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में खोलकर देखेंगे एक प्रिंटर को, एक इंकजेट प्रिंटर जिसमें इंक रिफिल की जाती है। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। मेरे पास है ही एचपी का इंक एडवांटेज 2515 प्रिंट स्कैन कॉपी ऑल इन वन प्रिंटर। हैव अ लुक। और इसके अंदर डलती है इंक नंबर 678। इसे आज हम पूरा खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या है और कैसे ये काम करता है। और यह है इसका स्कैनर जो पेज को स्कैन करता है और उसी को फोटोकॉपी करके देता है। खोलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले उन चीज़ों को खोल लेते हैं जो आसानी से डिटैच हो सकती हैं, जैसे कि ये सिंपल बिना किसी पेज के लगा हुआ है, इसको आप बस थोड़ा सा एडजस्ट करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही ये ऊपर का, इसे एक तरफ से निकालिए, उसके बाद इस तरफ से अपने आप निकल जाएगा। उसके बाद फ्लैप खोलिए और इसके ऊपर की एक एक चीज़ें कर निकालना शुरू कीजिए। इसको थोड़ा सा नीचे दबाएंगे तो ये एक तरफ से बाहर आ जाएगा। एक तरफ से बाहर आने के बाद फिर दूसरी तरफ से, फिर नीचे से उठाकर इसे आप आसानी से खोल सकते हैं। जो भी पार्ट्स निकल रहे हैं उनको संभाल कर एक जगह रख दीजिए। ये छोटी छोटी स्प्रिंग्स बहुत ज़रूरी हैं इस प्रिंटर के लिए। सही साइज के पेचकस को लेने के बाद आप उससे एक एक करके सारे पेज खोल सकते हैं। जैसे जैसे खुल रहे हैं उन पेजेस को वैसे ही रख सकते हैं ताकि बाद में लगाने में आपको आसानी हो। खोलते हैं इसके पेपर होल्डर को। पेपर होल्डर को खोलने के लिए आपको किसी पेज को खोलने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक तरफ आप अपना पेचकस डालें और एक तरफ से इसे अच्छे से दबाएंगे तो ये एक तरफ से आप अपने आप बाहर निकल आएगा। और जब एक बार बाहर निकल आए तो दूसरी तरफ से तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये आपका पेपर होल्डर बाहर आ गया। इसे एक जगह संभाल कर रख दें। पेपर एडजस्ट को थोड़ा बीच में लाएं, पीछे से थोड़ा सा निकाल कर आसानी से बाहर आ जाएगा। इसके बाद प्रिंटर को उल्टा रख लें। और सारे पेजों को एक एक कर खोल दें। प्रिंटर के नीचे की तरफ एक वाइट डस्ट होल्डिंग ट्रे होगी, उसको सिंपल क्लिक कर एक तरफ से क्लिक करें, फिर दूसरी तरफ से क्लिक करें और थोड़ा सा दबाकर आसानी से निकाल दें। ये आपकी डस्ट होल्डिंग ट्रे है। सारे पेजेस को खोल लें। इसके अंदर एक स्प्रिंग होगी, उसको जरूर संभाल कर रखें, उसे खोने ना दें। अब खोलते हैं इसके कंट्रोल पैनल को। कंट्रोल पैनल खोलने के लिए किसी पेज को खोलने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल उस पीछे हाथ लगाओ और थोड़ा जान से उसका टिक करके खोल दो।
एक तरफ से निकलने के बाद फिर थोड़ा आगे पीछे खिसका के दूसरी तरफ से भी ऐसे ही खोल दो और ये पूरा कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। पूरा उठाना नहीं चाहिए क्योंकि इसके नीचे ये कनेक्टेड है वायर से, उसको सिंपल पकड़ो और पीछे की तरफ खिसका के अलग कर दो। ये आपका कंट्रोल पैनल अब प्रिंटर से अलग हो गया। आप इसको भी चाहे तो पूरा खोल सकते हैं। इसको खोलने के लिए सिंपल चार पेजों को खोलिए। स्कैनर को हटने के बाद आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। यह आपकी मेन प्रोसेसिंग यूनिट जिसके अंदर आउटपुट के लिए वायर्स लगे होते हैं और पावर के लिए, यहीं से मेन प्रोसेस पूरा प्रिंटर और स्कैनर का काम करता है। मेन बोर्ड के नीचे दूसरा बोर्ड है, उसको भी निकाल दीजिए। सारे पेज खुलने के बाद आपकी मेन प्रिंटिंग यूनिट बॉडी से अलग हो जाएगी। इसमें ध्यान रखिएगा मोटर आपका वायर अभी भी अटैच है। उस मोटर के वायर को हटाने के लिए आप सिंपल पहले बेल्ट, मोटर के ऊपर से बेल्ट को हटाएं और मोटर को उसके छेद में से नीचे ही रख दें, फिर आपकी मेन यूनिट बिल्कुल सेपरेट होकर बाहर आ जाएगी। ये वो जगह है जहाँ पर आपकी कलर और ब्लैक एंड वाइट कार्टेज लगती हैं। ये मोटर है जो प्रिंटिंग यूनिट को आगे पीछे चलाती है। उसके नीचे ही एक पावरफुल मोटर है जो पेज, आपके जितने भी पेजेस जो आप लगाते हैं प्रिंटर में, उनको प्रिंटर के अंदर डालती है और फिर प्रिंट करने के बाद प्रिंटर से बाहर निकाल देती है। ये वाली मोटर, इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं इसमें। इसको आप घुमाकर भी देखेंगे तो ये सारी चीज़ें घूमने लगेंगी। ये पेज को आपके होल्डर से प्रिंट एरिया में लाता है और फिर इजेक्ट कर देता है।